हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक और साउथ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी, मैंगो पच्ची पुलसु, आम के साथ रसम। तो इसके लिए मैंने कच्चा आम, हरी मिर्च, हरा धनिया लिया है। उसके अलावा सरसों, जीरा, हींग, हल्दी ऑप्शनल है, थोड़ा सा गुड़, नमक, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती, बारीक कटा प्याज है। तो सबसे पहले हम लोग आम को वॉश करके इसे गैस के ऊपर इस तरीके से रख कर पलटते हुए भून लेंगे अच्छे से, ताकि ये आग में पक जाए। आप चाहो तो इसे कुकर में डाल के प्रेशर को दे के पका सकते हो, बट इस तरीके से अगर आप इसको भूंज के इसका पच्ची पुलसु बनाओगे या रसम बनाओगे तो उसका एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा और ये बहुत जल्दी बनता है। एक्चुअली जो पच्ची पुलसु है वो इमली से बनता है या फिर कच्चे आम से, तो यहाँ पे हम लोग कच्चे आम से बना रहे हैं। उसके अलावा मैं हरी मिर्च को भी इस तरीके से गैस के ऊपर रखकर सेक ले रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट काट के भी डाल सकते हो। अब ये भी भुन गए हैं, मैं इसको भी निकाल रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इस तरीके से इसका छिलका उतारना है। ठंडा होने के बाद ही उतारना, गरम गरम में हाथ जलने के डर रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग छिलका उतार के फिर उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसका हम लोग रसम निकालेंगे। ये स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है और ये एक वहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। इसे आप स्टीम राइस, जीरा राइस किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैंने आम को छिलका उतार के वॉश कर लिया है। अब मैं नाइफ से इसे इस तरीके से काट रही हूँ, बट जनरली इसको हाथ से मसल की इसका रस निकाला जाता है, बट मैं नाइफ से काट रही हूँ। आप इस तरीके से नाइफ से पहले छोटे छोटे टुकड़े काट के इसको स्पून से मैश करके इसका रसम निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं मिर्च को भी काट ले रही हूँ, काट के अभी मैं स्पून से इस तरीके से मैश कर रही हूँ। बट हमारे जो घर में मम्मी या नानी बनाती थी उसको हाथ से मैश करके उसका पच्ची पुलसु या रसम निकालती थी। अब मैंने इसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे कोई परमानेंट ये नहीं रहता है कि आपको एक कप डालना है या दो कप डालना है। आपको जितना पतला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है। इस तरीके से आम की गुठली में जो पल्प लगा है उसको भी मैं पानी डाल के निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आप इसमें पानी जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो। मतलब आम अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालना, अगर आम कम खट्टा है तो आप थोड़ा कम पानी भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। यहाँ पे मैंने अराउंड एक लोटा पानी और थोड़ा सा और ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज। प्याज कच्चा ही डाला जाता है, इसमें सारी चीज़ें कच्ची ही डाली जाती है, मिक्स करके फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाते हैं, इसीलिए इसे पच्ची पुलसु कहते हैं। पच्ची पुलसु मीन्स कच्चा, जिसको पकाया नहीं जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ, इसका जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो। अभी नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं हल्दी थोड़ा सा दो पिंच जितना डाल रही हूँ कलर के लिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा येलोइश कलर पसंद करती हूँ इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया आप जितना ज़्यादा डाल सकते हो उतना डालना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना, अगर आपको ऐसा लग रहा है नमक कम है तो आप नमक ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है तो आप थोड़ा पानी जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड करके मिक्स कर लेना। उसके बाद तड़का लगाने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ पैन। इसमें ऑयल बहुत कम लगता है इसलिए मैंने अराउंड दो छोटा स्पून होता है उतना डाल के अब तड़के की सारी चीज़ें मैं वन बाय वन डाल रही हूँ। पहले मैंने जीरा, सरसों डाला है, अभी मैं सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, फिर उसके बाद करिया पत्ती डालकर थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ। पच्ची पुलसु आप राइस के साथ ही नहीं, ऐसे ही ग्लास में भी डाल के पियोगे ना तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। गर्मी में ये हमें लू से बचाता है, बॉडी को ठंडक पहुंचाता है और साथ में टेस्टी बहुत है। अभी तड़का डाल के मैं थोड़ा ढक के रख रही हूँ ताकि तड़के का फ्लेवर पच्ची पुलसु में आ जाए। अब हमारा पच्ची पुलसु बन के रेडी है, आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।